हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपको प्रोसेस कंट्रोल टेक्निक में क्वेश्चन नंबर 35 करवा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। फ्रॉम अ फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग रेजर ब्लेड्स, सैंपल ऑफ 50 ब्लेड्स आर ड्रॉन दिल्ली। 50 ब्लेड्स का एक सैंपल लिया जाता है। The number of defective blades in each sample is given below. Draw P chart and also obtain a revised limit for future production. ये important point है, revised limit for future production. ये ध्यान से समझना है इसमें। Now sample number दिया हुआ है and defective दिए हुए हैं। Defective क्या होते हैं? So defective equals to N into P. डिफेक्ट्स मीन्स एन इंटू पी। अब यहाँ पर हमें पी कैलकुलेट करना है, पी चार्ट। सो पी इज इक्वल्स टू डिफेक्ट्स अपॉन एन। डिफेक्ट्स अपॉन एन मीन्स नंबर ऑफ सैम्पल्स। कितने सैम्पल्स लिए हैं? 50 के। सो यहाँ पर 4 डिवाइड बाय 50 करेंगे। सो 4 डिवाइड बाय 50 0.08, 10 डिवाइड बाय 50 0.2, 2 डिवाइड बाय 50 0.04, देन 5 डिवाइड बाय 50 सो 0.10, 7 डिवाइड बाय 50 14, 16 मीन्स 32। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, इसका डबल कर रहा हूँ और फिर पॉइंट लगा रहा हूँ। सो 12.24, 10, 0, 4, 16, 18, 30, 0, 4, 16। अब हम टोटल करेंगे इसका। ये टोटल हो गया। नाउ हमने पी की वैल्यू तो कैलकुलेट कर ली, हमें क्या चाहिए? हमें कंट्रोल लिमिट्स चाहिए। कंट्रोल लिमिट क्या होती हैं? प्रोडक्शन में हमें लिमिट्स बताती हैं कि हमें हमारे कंट्रोल लिमिट्स क्या हैं। सो सबसे पहले हमें चाहिए फर्स्ट सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन इज इक्वल्स टू पी बार, दैट मीन्स सिग्मा पी डिवाइड बाय एम। सो सिग्मा पी 2.10, और ये कितने सैंपल्स लिए गए? 15, नंबर ऑफ सैंपल्स। सो 2.10 डिवाइड बाय 15 तो आंसर आ जाएगा 0.14। ये है सेंट्रल लिमिट। सेकेंड, अपर कंट्रोल लिमिट। अपर कंट्रोल लिमिट इज इक्वल्स टू पी बार प्लस 3 इंटू रूट पी बार 1 माइनस पी बार डिवाइड बाय एन। ये फॉर्मूला है अपर कंट्रोल लिमिट के लिए। एंड लोअर कंट्रोल लिमिट के लिए सेम होगा, यहाँ माइनस कर देंगे। सो आइए इसे सॉल्व करते हैं पहले। सो पी बार का वैल्यू है 0.14 प्लस 3, फिर से पी बार 0.14, 1 माइनस पी बार 0.14 डिवाइड बाय एन। एन मीन्स 50, यहाँ पर भी हम करके आए हैं 50।
So 0.14 plus, now 0.14 into 0.86, 1 minus 0.14, that means 0.86, divide by 50 equals to root and into 3. So पूरा करने के बाद 0.147 आंसर आ रहा है, 0.147 प्लस 0.14, सो 0.287, 0.287. फिर से देखिए क्या किया मैंने, 0.14 into 0.86 इक्वल्स टू, ये आंसर आया, डिवाइड बाय 50 फिर से इक्वल्स टू, तो आंसर आया, फिर इसका रूट किया एंड इनटू 3 कर दिया, सो 0.147 आंसर आ जाएगा। अब ये था UCL, नाउ थर्ड पॉइंट LCL, पी बार माइनस 3 रूट पी बार 1 माइनस पी बार डिवाइड बाय n। सो मैं इतना सारा कैलकुलेशन नहीं करने बैठूंगा, पी बार मुझे पता है 0.14 है और इस सब की वैल्यू है 0.147। अब फिर से देखिए LCL माइनस में आ रहा है, माइनस में कैसे, 0.14 माइनस 0.147 माइनस 0.007 आ रहा है। सो LCL कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, डिफेक्ट्स कभी भी नेगेटिव नहीं होते, ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है एक लेक्चर में कि डिफेक्ट्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। सो ये था हमारा LCL, देन सेंट्रल लाइन एंड देन अपर कंट्रोल लिमिट, ये तीनों हमें मिल गए। सो नाउ क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, पी चार्ट ड्रॉ करना है। सो आइए पी चार्ट को समझते हैं कि पी चार्ट कैसे ड्रॉ होगा। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में देखना है, देखिए क्या किया है, ये जो नंबर्स हैं सैंपल्स के 1, 2, 3, 4, 5 ये यहाँ पर लिख दिया है, ऑन एक्स एक्सिस सैंपल्स एंड ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0.02, क्योंकि ये देखिए सब 2 के मल्टीपल्स में 2, 4, 32, 14, तो यहाँ पर 0.02 ले लिया है और हेडिंग दी है यहाँ पर पी चार्ट। अब इसे ध्यान से समझिए, 1 की वैल्यू कितनी है सामने 0.08, सो यहाँ पर 1 सैंपल 0.08, सो ये तो सेम जैसे ग्राफ बनाते हैं वैसे ही करना है। हमारा LCL क्या हो जाएगा, तो ये जो 0 है एक्स एक्सिस यही हमारा लोअर कंट्रोल लिमिट है, सेंट्रल लाइन कितना आया है 0.14, सो 0.14 पर सेंट्रल लाइन बना दिया। आपको हाईलाइटर यूज़ नहीं करना है, आपको सिर्फ पेंसिल से ग्राफ ड्रॉ करना है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ। एंड अपर कंट्रोल लिमिट क्या है 0.287, सो दिस इज अपर कंट्रोल 0.287। अब हमें क्या करना है, सेम ग्राफ बनाना है जैसे अभी तक के सारे ग्राफ बनाए हैं हमने, 2 पॉइंट पर 2 के सामने कितना है 0.20, सो यहाँ पर देखिए ये रहा 2 के सामने 0.20, सो ऐसे कर कर ग्राफ्स में हम लाइन को मिलाते जाएंगे और ग्राफ बनाएंगे। फाइनली हमें यहाँ पर कंक्लूज़न लिखना है, कंक्लूज़न में क्या होगा अब मुझे आप बताइए, सेंट्रल लाइन के ऊपर नीचे जिगजैग होना चाहिए एक कंडीशन है, दूसरा अपर कंट्रोल लिमिट के ऊपर नहीं जाना चाहिए, लोअर कंट्रोल लिमिट के नीचे नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉइंट नंबर 6 अपर कंट्रोल लिमिट से बाहर है एंड पॉइंट नंबर 12 अपर कंट्रोल लिमिट से बाहर है, तो ये आउट ऑफ कंट्रोल है, ये आउट ऑफ कंट्रोल है। सो यहाँ पर कंक्लूजन लिखेंगे आप, एज द वैल्यू ऑफ सैंपल नंबर 6 एंड
12 are above UCL, the process is out of control with respect to P chart. क्या करना है आपको, फिर से बता दूं कंक्लूजन. As the values of sample number 6 and 12 are above UCL, the process is out of control with respect to P chart. इतना हम कंक्लूजन लिखकर छोड़ देंगे. सो पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, ये पूरा कैलकुलेशन था और ये आपका पी चार्ट का ग्राफ था जो मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ. अब इतना नोट डाउन करने के बाद या स्क्रीनशॉट ले लीजिए. मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या न्यू है. सो ऑप्टेन रिवाइज लिमिट फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन, फ्यूचर प्रोडक्शन के लिए रिवाइज लिमिट्स फाइंड आउट करने हैं. सो अब हमें ये फाइंड आउट करने होंगे. सो आइए रिवाइज लिमिट्स फाइंड करते हैं नेक्स्ट पेज पर. सो रिवाइज्ड लिमिट कैसे कैलकुलेट होंगे अब मैं वो करवा रहा हूँ आपको. रिवाइज्ड लिमिट्स, नाउ रिवाइज्ड लिमिट्स के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, ध्यान से समझना इसको. ये टेबल पूरा का पूरा फिर से बनाओ, ये टेबल पूरा का पूरा फिर से बनाओ. बट यहाँ पर क्या करना है कि ये जो पॉइंट्स बाहर जा रहे हैं ना वो हमें अब नहीं लिखने हैं. सो कौन सा पॉइंट बाहर गया है, पॉइंट नंबर 6 बाहर गया है, पॉइंट 0.32 ये हमें नहीं लिखना है. और दूसरा कौन सा पॉइंट बाहर गया है, सो पॉइंट नंबर 12 बाहर गया है, कितना 0.30. सो 6 एंड 12 को नहीं लिखना है, बाकी को लिखना है. 6 एंड 12 को नहीं लिखना है, बाकी सारे पॉइंट्स हम लिखेंगे. सो सेम टेबल अगर यहाँ पर बनाएंगे, सो नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं लिखना है, देन 7, 8, 9, 10, 11, 12 भी नहीं लिखना है, 13, 14 एंड 15. सेम टेबल मैंने यहाँ पर बना दिया. अब सेम मुझे कौन से वैल्यूज चाहिए, ये वैल्यूज चाहिए, डिफेक्टिव एंड पी के वैल्यूज. सो यहाँ पर डी के वैल्यूज और ये पी के वैल्यूज लिखने हैं हमें. सो देखिए डी के वैल्यूज तो सेम लिखेंगे आप, पी के वैल्यू लिख लेते हैं. और P के वैल्यू में हमें क्या करना है, 6 एंड 12 पर ध्यान रखना है, 32 एंड 30 ये नहीं लिखने हैं. सो 1 के सामने है 0.08, 0.20, 0.04, 10, 5 के सामने है 14, ध्यान देना 6 के सामने 32 नहीं लिखना है हमें, 7 के सामने है 24, 10, 4,
16, 18. अब 12 के सामने है 30, ये नहीं लिखना है क्योंकि 12 सैंपल हमने लिखा ही नहीं है. 13 के सामने है 0, देन 0.04 एंड 16. एंड अब हम इसका टोटल करेंगे. ये हमने क्या किया रिवाइज लिमिट्स में कि जहां पर बहुत ज्यादा डिफेक्ट्स थे उन दिनों को निकाल दिया, वो दोनों सैंपल्स निकाल दिए, वो प्रोडक्शन ही निकाल दिया हमने, तो डिफेक्ट्स निकल गए, प्रोडक्शन के साथ डिफेक्ट्स निकल गए. अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे 0.8, 0.20, 0.14, 0.24, 0.10, 0.16, 0.18, 0.16, 1.48. सो ये है हमारे रिवाइज लिमिट. अब सेम क्या करेंगे, हमें सेम करना है, सेम यही तीनों लिमिट्स कैलकुलेट करने हैं, यही कंट्रोल लिमिट कैलकुलेट करना है, लेकिन रिवाइज कैलकुलेट करना है. जहां पर प्रॉब्लम हुआ था वो डिफेक्ट्स हमने हटा दिए. सो फर्स्ट मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ पर सेंट्रल लाइन. सो सेंट्रल लाइन का फॉर्मूला P बार इज इक्वल्स टू सिग्मा P अपॉन M. सिग्मा पी, पी का टोटल कितना है 1.48, ये टोटल डिवाइड बाय एम. एम मीन्स अब ये कितने हो गए सैंपल्स, 15 में से दो सैंपल हमने रिमूव कर दिए, हटा दिए, डिलीट कर दिए, तो बाकी सैंपल्स कितने बचेंगे 13. सो 1.48 डिवाइड बाय 13. सो ये जो रिवाइज लिमिट हो जाएंगे ये हो जाएंगे 0.11. एक ये फर्स्ट. नाउ सेकंड. सेकंड में हमें क्या कैलकुलेट करना है, अपर कंट्रोल लिमिट. सो अपर कंट्रोल लिमिट देखिए पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड है. आपको फॉर्मूला याद नहीं होगी तब तक प्रॉब्लम होगी. फॉर्मूला क्या है, पी बार प्लस 3 रूट पी बार इंटू 1 - P बार डिवाइड बाय एन. सो पी बार 0.11 प्लस 3 रूट पी बार 0.11 1 - 0.11 डिवाइड बाय एन. कितने का सैंपल ले रहे थे हम, साइज ऑफ सैंपल क्या था, आगे था ना 50 था ना, साइज ऑफ सैंपल 50, ये 50 रहेगा क्योंकि हमने 50 के सैंपल्स में से ये डिफेक्ट्स कैलकुलेट किए हैं. हमने 50 के सैंपल से, यहाँ पर आप डिफेक्ट लिख देना खुद ही, ठीक है. सो आइए 0.11 प्लस, अब मैं ये सब डायरेक्ट करूँगा, 0.11 इंटू 1 - 0.11 दैट मीन्स 0.89 इक्वल्स टू, ये आंसर आएगा, डिवाइड बाय 50 इक्वल्स टू, ये आंसर आ गया, रूट किया इनटू 3 कर दिया. सो 0.13 एंड 0.13 प्लस 0.11 0.24. नाउ ये है UCL. नाउ थर्ड पॉइंट कौन सा होगा, थर्ड पॉइंट LCL. पी बार प्लस 3 पी बार 1 - P बार डिवाइड बाय n रूट, सॉरी LCL है, प्लस की जगह ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस था ये माइनस है हो जाएगा. सो पी बार ये माइनस है, फिर से बता रहा हूँ मेरी मिस्टेक हो गई, पी बार 0.11 माइनस. अब ये जो 0.13 है ये इस सब का सॉल्यूशन है, यहाँ पर भी हमें वही करना है. सो माइनस करेंगे 0.13. हाँ नाउ फिर से सेम प्रॉब्लम, क्या 0.11 में से 0.13 माइनस करेंगे तो क्या करना होगा, हमें माइनस में आंसर नहीं लिख सकते इसलिए हम जीरो लिखेंगे.
माइनस में आंसर नहीं लिख सकते इसलिए ज़ीरो लिखेंगे। सो ये है रिवाइज्ड लिमिट्स, ये हमने रिवाइज्ड लिमिट्स कैलकुलेट किए। सो आइए देखते हैं, ये रहे रिवाइज लिमिट 0.11, 0.24 एंड LCL 0। ये रिवाइज्ड लिमिट अलग से दिए हुए हैं, यहाँ पर देखिए आंसर अलग दिया हुआ है। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैं यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ। आगे के तो मैंने आपको नोट डाउन करवा दिए, ग्राफ भी नोट डाउन करवा दिया पूरा का पूरा, और ये कैलकुलेशंस भी आपको दे दी। अगर आपने नहीं नोट डाउन किया तो अभी कर लीजिए, और ये इसके रिवाइज्ड लिमिट है। फिर से मैं इस टॉपिक पर लिख देता हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत कम टीचर्स और स्टूडेंट्स इस टॉपिक को कवर करते हैं। इस टॉपिक में हमने क्या सीखा कि जहाँ पर हमारा आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा था उसे अंडर कंट्रोल करने के लिए जो पॉइंट्स बाहर जा रहे थे, UCL के बाहर या LCL के बाहर जा रहे थे, वो हमने अपने प्रोडक्शन में से रिमूव कर दिया, हटा दिया, और उसे हटाते ही हमारा प्रोसेस रिवाइज्ड लिमिट्स में आ जाएगा। अब अगर इस प्रोसेस का ग्राफ बना ना तो वो ग्राफ अंडर कंट्रोल आएगा, वो ग्राफ अंडर कंट्रोल आएगा। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।